रीवा जिले के जवा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बने गौशाला की स्थिति ये है कि राशि का बंदरबांट हो गया। गौशाला का पता नहीं, वहीं कई गौशाला में इतना घटिया निर्माण कराया गया है कि गौशाला की दीवार ही गिर गई। इन भ्रष्टाचार में जवा जनपद के एई और उपयंत्री की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं कई जगहों में निर्माण एजेंसी ठेकेदारों को ठेका देकर जमकर घोटाला कराया गया, लेकिन जब से जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल आई है तब से उनका जिले भर में गौशाला पर विशेष फोकस है। लगातार जांच टीम बनाकर गौशाला की जांच कराई जा रही है। वहीं इसी तरह का मामला ग्राम पंचायत देवघर के गौशाला से आया है, जहां गौशाला का इतना घटिया निर्माण कराया गया कि गौशाला की दीवार और बीम सब गिर गई, जो इस बात का स्पष्ट दर्शा रही है कि उपयंत्री की साठ गांठ में ये सब खेल हुआ है, जिसकी शिकायत जनपद जवा में शिव शंकर तिवारी द्वारा की गई थी, जिस पर जनपद सीईओ ने उपयंत्री विमल कांत गौतम को कारण बताओ पत्र जारी कर दो दिन के अंदर गौशाला में हुई गड़बड़ी पर जवाब मांगा है। जवाब न देने की दशा पर जिला सीईओ को पत्र लिखकर उपयंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। पैसे भी निकल गए हैं और पर निर्माण अभी नहीं हो पा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? इसमें हमारी नज़र है ऐसी गौशालाओं में जहां जो अपूर्ण हैं, और कलेक्टर मैडम और हमारे सीओ जिला पंचायत के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून तक सभी गौशालाएँ पूर्ण कराई जाएँ। कुछ गौशालाओं को जो शिकायत थी वो सीओ साहब के और कलेक्टर मैडम के दोनों के जानकारी में है, उनके द्वारा जांच के लिए एक जिला पंचायत से टीम बनाई गई है और वह जिला पंचायत की जो टीम है उनको एक सप्ताह का समय दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर वो जांच करके प्रतिवेदन देंगे और उसके आधार पर उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी।